हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। फ्रेंड्स, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो आपके लिए ट्राइपॉड बहुत ही जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही एक ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिटिंग। आज मैं आपको यूनिटिंग के ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ और बताऊँगा कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और इस ट्राइपॉड की क्वालिटी कैसी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। यूनिटिंग का ट्राइपॉड का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। जैसे इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो बीच में एक काले बैग में ट्राइपॉड आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा सामान आपको ट्राइपॉड के बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बैग की। ब्लैक कलर का ये बैग है, नॉर्मल क्लॉथ में ये मिल जाएगा, इतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। इसमें आप अपना ट्राइपॉड डालकर रख सकते हैं। अब बात करते हैं रिमोट की। रिमोट की सामने की तरफ आपको तीन स्विच देखने को मिल जाएंगे और साइड में ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच है। इसे आप ब्लूटूथ की मदद से अपने स्मार्टफोन या कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद शूट कर सकते हैं या सेल्फी भी ले सकते हैं। रिमोट के साथ हमें एक लीड मिल जाएगी जिसकी मदद से रिमोट को चार्ज कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन को भी इस लीड की मदद से आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसे चार्ज करना बहुत ही सिंपल है। लीड की आगे वाले हिस्से को आप स्मार्टफोन की तरह लगाएंगे अपने रिमोट कंट्रोल में। तो जैसे ही लगाएंगे तो आप अपने अडाप्टर में पीछे वाले हिस्से को लगाएंगे, आपका रिमोट कंट्रोल चार्ज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है चार्ज करना। तो उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं स्मार्टफोन होल्डर की। इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को लगा सकते हैं। ये होल्डर बहुत ही अच्छा है, इससे आपका स्मार्टफोन खराब नहीं होगा। अगर आप दूसरे टाइप का होल्डर लेंगे या दूसरे टाइप का जो ट्राइपॉड में होल्डर लगा होता है उससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी दबाव पड़ता है। तो इस होल्डर को आपको लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है। बहुत ही आसानी के साथ आप अपने होल्डर को ट्राइपॉड के ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है जे, इस तरीके से आप अपने होल्डर को ट्राइपॉड के ऊपर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राइपॉड की। ट्राइपॉड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ब्लैक फिनिशिंग में ये ट्राइपॉड बहुत ही बढ़िया लगता है। इसकी लेग्स आपको मेटल की मिल जाएंगी और बाकी सारा जो मटेरियल है वो आपको हार्ड प्लास्टिक का होगा। इसमें आपको 360 डिग्री वीडियो शूट कर सकते हैं, यानी कि आप शॉर्ट वीडियो भी शूट कर सकते हैं और लॉन्ग वीडियो भी शूट कर सकते हैं, यानी कि टिकटॉक की तरह भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो 360 डिग्री रोटेट आराम से हो जाता है जे। इसमें वीडियो शूट करना बहुत ही आसान है। तो इसकी मिनिमम हाइट है जो 1 फीट से लेकर 4.1 फीट तक है, यानी कि 4 फुट 1 इंच तक इसकी मैक्सिमम हाइट आपको मिल जाती है। तो आपको अपना स्मार्टफोन लगाने के लिए कुछ इस तरीके से आप आराम से आप अपना स्मार्टफोन इसके ऊपर लगा सकते हैं और कैमरा भी बहुत ही आसानी के साथ आप नीचे की तरफ लगा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इस ट्राइपॉड की। यूनिटिंग ट्राइपॉड की क्वालिटी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे ये वाला ट्राइपॉड बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें अगर स्मार्टफोन लगाना हो तो बहुत ही आसानी के साथ स्मार्टफोन लगा सकते हैं और अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा भी बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो इस ट्राइपॉड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर भी काफ़ी अच्छा है और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो इस हाइट को अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस ट्राइपॉड को परचेज करने के लिए आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ये वाला ट्राइपॉड मिल जाएगा। इस ट्राइपॉड के प्राइस की बात करूँ तो ये वाला ट्राइपॉड आपको 999 में मिल जाएगा, यानी कि 1000 में ये वाला ट्राइपॉड मिल जाएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।